Alright everybody, welcome back to Lucky's Rock Through and you are watching Assassin's Creed Mirage episode 5, 5th है ना episode ये। तो इस game का सबसे main मतलब जो villain है पहला first order जिसको अपने को assassinate करना है Al Ghul। तो अभी वो अपना next अभी करने वाले हैं। ये क्या है, अच्छा codex updated। तो अभी अपने को फिलहाल लूर करना है, वो अपने किले के अंदर घुसा हुआ है तो उसको बाहर निकालना है कुछ एक्टिविटी करके। लुक फॉर द डिस्ट्रैक्शन अपॉर्चुनिटीज, जो आसपास जो भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे ये लोग भी हो गए मर्चेंट्स लोग, तो इनका भी अपन यूज़ करके अंदर घुस सकते हैं। तो और भी मैं देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, अपन कैसे एंटर मार सकते हैं। एक यहाँ पे ये एक दिखा रहा है और दूसरा यहाँ पे एक दिखा रहा है। ठीक है, ये बाहर वाला मर्चेंट वाले को इससे बात करते हैं। What is the delay? I am not. What delays your departure, friend? Someone by the name of Mas'ud saw fit to inspect my wares, and so here I wait. Who does he think he is? I am able to help. What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. There's a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. So if I can get that, this caravan merchant है ये, जो caravan जो गाड़ी रहता है ना उसमें लोगों को सामान ले जाते रहेंगे। तो इसको crate चाहिए जो कि इस किले के अंदर रखा हुआ है, जो भी है ये किला है क्या है पता नहीं। तो उस crate को अपने को ढूंढ के लाना है, तो देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। तो अगर उस क्रेट को ढूंढ के लाएंगे तो अपन तो अपने को ये मर्चेंट अपने साथ ले जाएगा अंदर, एंट्री करवाएगा चोरी छुप के। मेरे ख्याल से ब्लेंड इन होके अंदर घुस सकते हैं। तो ठीक है भाई, जो भी बोल रहा है फटाफट से कर देते हैं। और हाँ गाइस, अगर चैनल पर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो भाई। एक मिनट ना, इसको मार देते हैं पहले। ठीक है, तो ऑलराइट, इस एपिसोड का पहला किल इस ढक्कन के नाम बाय बाय। तो इसका ये साइन है जो, अरे भाई इधर भी है क्या, वुप। तो यहीं पे है कहीं, ये डोर के अंदर है क्या, नहीं डोर में नहीं है। अच्छा मेरे ख्याल से ये नीचे होगा इधर सुई। ये मस्त लगता है भाई एकदम, क्रेट में डाल दिया सीधा। ऑलराइट, तो क्या ढूंढना लेते हैं। हाँ ये क्रेट ना, तो ये क्रेट मेरे को लग रहा है ये नीचे है। एक मिनट, यहाँ से जा सकते हैं ना रोप, क्योंकि जस्ट के नीचे ही है वो। इसको अपन असैसिनेट कर सकते हैं। तो नाइस वन, चलो भाई। आ, 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 आ अंदर भी, अच्छा निकल। ये रहा क्रेट। रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड आइटम टू द कैरावान लीडर। दिस मस्ट बी द कैरावान मर्चेंट्स क्रेट। इसको दे देते हैं भाई फटाफट। इतने यहाँ से पर जाना कहाँ से, यहीं से मेरे को दिखा बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पे गार्ड्स है, पर निकल जाते हैं छोड़। अगर मान ले देख भी लिए तो मैं इसको कहीं दूर रख दूंगा, फिर एस्केप करके फिर कर लेंगे अपन आगे जो भी है। बट यहाँ रख और निकल, ये मोटे से लड़ना नहीं है, साला टाइम पास है पूरा। उससे उसको मारने के लिए ना अभी अपने पास उतना कुछ है नहीं ट्रिक्स वगैरह और अटैक्स वगैरह, क्योंकि वो सामने से ब्लॉक करता है तो उसको पीछे से मारना पड़ेगा। अब उतना टाइम नहीं है। लो साला बेल भी बजा दिया। छुप जा भाई इधर छुप जा, अपना लास्ट रेस तो हाँ वहाँ पे, तो नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। A few moments later. चलो गाइस, तो एस्केप हो गया है। अब चुपचाप अपन ये क्रेट ले जाते हैं उसको, और वो कारवान मर्चेंट को वापस कर देते हैं ताकि अपने को एंट्री गेन कर सके भाई। वही अपने को शायद ऐसे ब्लेंड इन होके लेके जाएगा, वही आइडिया रहता है भाई। इतना सारा असैसिन्स क्रीड खेला हूँ तो आइडिया तो है भाई उतना। ले ले भाई तेरा क्रेट। यप, Is this your crate? Oh, ये मत बोल, अबे वो गार्ड मेरे ख्याल से अपने को देख चुका है, डिटेक्ट कर चुका है, वो पड़ा रहा है अपने को मारने के लिए। Very good, very good. I must repay you. You seem like a man who enjoys a good meal. Care for some spice? Not today, no.
but I will ask that you loudly proclaim your departure. पर अपन कट सीन ट्रिगर हो गया ना इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है. We share the same mind. My thanks to you, ya sadiqi. अरे भाई फिर सालम भागो इससे. तेरे से लड़ने का भी मन नहीं है. मेन अंदर मेन टारगेट है भाई. चला गया. चलो भाई वापिस. चलो भाई ले चल अपने को. इनको कुछ खबर भी नहीं है कि इनका लीडर जाने वाला है भाई यहाँ से. दबाना नहीं दबाना नहीं. एक्साइटमेंट में हो सकता मैं दबा भी दूं भाई. असैसिनेट वाला दिखा रहा था. तो फिलहाल अभी वो अपने उसके अंदर घुसा हुआ है तो पता नहीं उन लोग कैसे उसको बाहर लेके आएंगे. अपने को तो कुछ करना नहीं है शायद. ये इन लोग ही करेंगे. और जैसे बाहर आएगा काम तमाम उसका. गार्ड घूम रहे हैं. योर एक्शंस हैव जनरेटेड ऑल दिस अटेंशन. ही इज एक्सपोज्ड. अच्छा आ गया, आ गया ऊपर आ गया. व्हाट अबाउट दीस ओवर हियर? फाइन नो. अच्छा हाँ यहाँ से चल, यहाँ से चल. दिख गया, पता चल गया रास्ता. भाग भाग भाग, नहीं तो साला अंदर घुस जाएगा जल्दी. यप. ऑलराइट अलगुल. This ends now. Boom! Death from above. और ये खत्म भाई. और इस साल बचा है क्या? और इसका खात्मा. और बेब लटका देगा लग रहा है. अरे भाई गंदा एकदम. Shit. I don't know, मैं वो सीन रख सकता हूँ कि नहीं वीडियो में. लटकने वाला शायद से हटाना पड़ जाएगा. भाई मजा आ गया पर असैसिनेट करके. एकदम प्योर असैसिन वाला असैसिनेशन था ऊपर से एकदम. Turn your hate inward, Masoud. It is your wickedness that has led you here. Wickedness? To whom? The unenlightened, the feeble who have cast their lot. It is our divine will to rule over them. Our duty to exact their contribution. Contribution? To what? To what could be. The very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No, 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 no. These are gifts destined to be recovered. They speak to us, as you well know. Me? Oh, yes. A hidden one you may be, but not just. गया. वो पंख चलाएगा. फिर दिखेगा क्या उसको? जिन वो शैतान. ये पता नहीं क्यों उसको बार बार इतना हॉन्ट कर रहा है वो. शुरू से गेम जब से चालू हुआ है तब से वो दिखा रहा हो भाई. Assassins focus when out of conflict trigger assassin focus with right click to execute a perfect sequence of assassinations. अच्छा ये कुछ नया चीज है. चलो करके देखते हैं इसको. क्या है? राइट एनालॉग से है ना. यप. और आरबी से टारगेट. ये एक ले ले. लॉन्च. ज़ूप ज़ूप. नाइस भाई एक नंबर.
ये अच्छा था। निहाल आई थी अभी इधर। Clear your mind. Al-Ghul's relentless pursuit at the expense of human lives has come to an end. It is a day of victory, not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al-Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects, like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Basim. We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? I have. अच्छा जिन के बारे में कुछ बताएगा? उनके उसके ड्रीम्स के बारे में। In these dreams, a genie torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al-Ghul, I felt its presence again. And I am left asking why? Why here? Why now? Why me? Piling questions and no answers. I meant to tell you, but... You were afraid I would think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. उसके पास जाएगा निहाल। हाँ। I remember. She is important to you, isn't she? She is. But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain. Then go and heal this wound without delay. Find me at the Harbiya Bureau when it is settled. तो और आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ब्रेक मांगना, ब्रेक मांग रहा है उस रोशन से। एलिमिनेटेड अल-ग़ुल। तो फर्स्ट ऑर्डर अपना कंप्लीट हो चुका है गाइस, और मेन उसको मार चुके हैं अपन, विलन को, मतलब विलनों में से एक मेन विलन था उसको अपने टपका दिया है। इसको देख लेते हैं थोड़ा, स्किल्स, चेन असैसिनेशन ये खोल लेते हैं, ब्रेक फॉल, फॉल डैमेज कम हो जाएगा। तो उसके बाद अपने को चेन असैसिनेशन जो था ना, ये वाला, ये अच्छा था भाई, मल्टीपल अपन कर सकते हैं। ओल्ड वाउंड्स, तो अपना नेक्स्ट मिशन है लुक फॉर द निहाल बैक होम, जहाँ अपन पहले रहते थे उधर पे जाना है, निहाल को ढूंढना है, थोड़ा सा उससे बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे भाई, मिशन ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो ये तो ख़त्म पूरा भाई, कितने टाइम बाद यहाँ पे आए हैं वापस। बस बासम, बसीम का चेस्ट देख रहे हो भाई? इट्स रियली यू निहाल। आई से नथिंग या सदीक, आई एम एज सॉरी एज यू। आई हैव सो मच टू टेल यू। And I, you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Bhai, kya ho gaya? Achha tha. Perhaps I have less to tell you than I thought. I think I can surmise what our time apart has been like for you. And you? You have not been living here, I hope. Less living, more working. On what?
Why do I know this? ये क्या? Because you have seen it on the object we found at the Winter Palace. I have been trying to remember the specifics of its design. You have spent all this time obsessing over this symbol? Why? Because I too have seen it before. I know not where or when. Only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. Ah, but of course, duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within. You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? Araki lahikan. पता नहीं क्या बोला. तो ये कुछ सिंबल्स की बात कर रही थी. The order of the ancients are far from defeated. Master Roshan is. Okay, तो अब इसका खुला है स्टोरी मतलब मिशंस. Nehal has been obsessed with ancient writings. Find the hidden. चलो भाई ठीक है देखते हैं अब ये क्या है ये. I have a plan brewing to uproot them. Nehal's calling. And the calling. Find the hidden passages located north of the Aquar. The Aquar dunes. जब तो उस location पे जाना है उसके बाद फिर अपने को पता चलेगा कहाँ जाना है और. तो यहाँ पे पहुँच तो गया हूँ मैं. अच्छा इधर है. ओके ओके भाई कितना ढूंढा मैं पता है. ये एक assassination point था इधर पे गया नहीं हूँ मैं. यहाँ पे जाते हैं. अब फिलहाल तो मैं हूँ वही Aquarius Dune Aquarium. भाई रा कौन नाम रखता है रे ये सब. This must be the oasis Nehal had in mind. अच्छा ये इसी जगह की बात कर रही थी तो मतलब यहीं पे है कहीं वो hidden place. चलो भैया पहले मैं ये कर लूँ synchronization point. वो एक मिनट खजाना लूटने. अच्छा मैं फूल है. वाओ रेतीला रेतीला जगह बीच बीच में पानी. ये क्या छोटा सा एकदम झील टाइप का. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कवर्ड. लीप ऑफ फेथ. ये तो अब इस पथरीले जगह पे यहाँ पे जहाँ भी अपन घूम रहे हैं इधर पे हिडन वाला कैसे ढूंढे भाई कैसे पता चलेगा. गेम कुछ तो हिंट दे दे. ऐसा तो कुछ पता तो नहीं. ढूंढेंगे कैसे. एक मिनट उससे देखते हैं. ईगल अपना एनकिडू. आई नीड योर हेल्प माय फ्रेंड. एक मिनट यहाँ पे. अच्छा अंडरग्राउंड है पानी के नीचे. हाँ तो फिर यही होगा हिडन प्लेस और कहाँ होगा फिर. अच्छा चल भाई जल्दी चल देखना है क्या है ये. हाइट यार मस्त दिख रहा है एकदम. ओके तो ये सर्कल जो है ये ब्रीदिंग मतलब उसका वो होगा कैपेसिटी. अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है ये. तो नेहल को कुछ अभी पता चला अपने को कि उसको कुछ एंशियंट राइटिंग्स का बहुत शौक है. उसके चलते ही वो कुछ सिंबल्स उसके वहाँ पे दीवार पे उसके घर में बने हुए थे तो वो सिंबल्स ही कुछ अपने को कहीं आगे जाके लीड करेगा कोई इन्फॉर्मेशन देगा. मजा आता है भाई इस टाइप के एकदम एंशियंट नीचे एकदम खोजने में. यो भाई What magic is this? Reveal the chamber Surely secrets. There is a way to diminish it. Okay. The buried chamber. इसमें वो है यार sword है इसमें तो. किसी power से या energy से वो locked है. यहाँ पे कुछ artifacts हैं. और यहाँ पे कुछ something like dagger. हाँ dagger जैसा ही है कुछ. वो सब तो ठीक है पर अनलॉक करने का तरीका कैसा है भाई ये तीनों को.
यार इसके लिए कुछ चाहिए लग रहा है मेरे को। 3 यहाँ पे 2 का सिंबल है, यहाँ 5 है, उधर पे 3 है। यहाँ बीच में कुछ लगेगा क्या? नहीं भाई, से कहाँ टूटेगा। रिवील करने बोल रहा हूँ, रिवील द चेंबर सीक्रेट्स। यहाँ पे कुछ लगेगा सब, डायमंड वो शेप बना हुआ है ना वहाँ पे लग रहा है मेरे को, कुछ पुट करेंगे वहाँ उधर। यहाँ पे क्या है, रैम बना हुआ है, कुछ नहीं है। शायद से अपन ने कोई चीज़ मिस कर दिया हो या कुछ चाहिए इसको सीक्रेट्स रिवील करने के लिए, अभी अपने पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं यार। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यहाँ पे उसको कैसे एक्सेस करेंगे चैम्बर को। एंड उसी के साथ वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। फर्स्ट ऑर्डर अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें अपन लोगों ने मेन बॉस को मार चुके हैं, असैसिनेट कर चुके हैं अल गुल को, और उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर था उस मिशन का नाम। तो उसी तरह कितने ऑर्डर्स है पता नहीं, और कितने मतलब मेन बॉस होंगे उन लोग को मारना होगा, वो अपन आगे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कोई नया देख रहा हो तो। बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अब तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।